हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हर गांव को पक्की सड़क मुहैया करवाने के बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन सरकार के ये दावे जमीनी हकीकत पर हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं। हमीरपुर जिला की नादौन तहसील में अपर बीहा के बाशिंदे पिछले 25 वर्षों से पक्की सड़क सुविधा के लिए तरस रहे हैं। सरकार द्वारा करीब 1995-96 में बदेड़ा से अपर बेया के लिए 3 किलोमीटर कच्ची सड़क का निर्माण करवाया गया था। हालांकि कुछ समय पहले सरकार द्वारा करीब 1 किलोमीटर सड़क को पक्का किया जा चुका है, उसके बाद सड़क को पक्का नहीं किया गया है। आज हालत ये है कि कच्ची सड़क पर वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है। सबसे बड़ी दिक्कत बरसात के समय में पेश आती है, जब कच्ची सड़क पानी से भर जाती है। ऐसे समय में अगर कोई ग्रामीण बीमार पड़ जाए तो उसे पालकी या कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई दफा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को समस्या बताई, लेकिन आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला। ग्रामीणों ने बताया कि वोट मांगने के बाद कोई उनकी सुध नहीं लेता। वहीं अब अपर बेहा के बाशिंदों ने जयराम सरकार से सड़क को पक्का करने की गुहार लगाई है। सर, आधी सड़क पक्की कर दी है और आधी कच्ची है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी सड़क भी आधी भी पक्की कर दी जाए, ताकि हम भी इस रास्ते को देख सके कि हम भी इधर भी कुछ चल सके अच्छे तरीके से। हमारे बच्चे गिर गिर के उठते हैं और कभी कभी तो हमारे हमें को उठा के लेने जाने पड़ता है उनको। मैडम, कितने किलोमीटर सड़क है आपकी? 2.5-3 किलोमीटर है। गाड़ी वाले बिल्कुल मना करते हैं कि हम नहीं इधर आएंगे। तो क्या आपने इसकी अपने जो स्थानीय विधायक हैं या एमए दूसरे जो नेता हैं, कभी आपने उससे शिकायत की? बहुत बार शिकायत की, बहुत बार बोला। वो बस यही बोल के जाते हैं कि बस 5 साल में बस आपका ही काम करेंगे, लेकिन दोबारा आकर के कौन पूछता है कि यहाँ के लोग मरे हैं कि जिए हैं। हमारी समस्या को कोई भी समाधान नहीं करता है, बस वोट के बारे में आते हैं, उसके बाद कौन पूछता है हमें। सर, हमारे आप खुद दे चुके हैं कि हमारी सड़क की क्या हालत है, कि हमने कई बार जो है विधायकों के पास भी गए कि हमारी समस्या का समाधान करो, लेकिन वो हमें बस यही आश्वासन दे के जो है भेज देते हैं, हाँ हम कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन सर, आज तक जो है कुछ नहीं हुआ। ऐसा कम से कम 20 से 25 वर्ष हो गए, कोई भी एमएलए या किसी भी सरकार ने जो हमारी सुनवाई नहीं की है। जैसे कि सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं यहाँ पर अकेले, मतलब इतना ज़्यादा खतरा है, बाजू टूट जाए कौन जिम्मेवार है। तो सर, जैसे कि बरसात में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, जैसे ना कोई गाड़ी आ पाएगी, गाड़ी तो वैसे नहीं आती इस रोड पे, तो जैसे कोई बीमार पड़ जाए, बुजुर्ग बीमार हो जाए या किसी को अर्जेंटली लेके जाना पड़े, तो कोई भी इसमें जो है ये नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है। तो हमें बस यही एक विनती है कि हमारी सड़क को जो पक्का करवाया जाए। 2.5 से 3 किलोमीटर का ये सड़क है, जिसमें जो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम जो है पैदल भी नहीं चल पाते हैं यहाँ पे, जो बरसात में तो गाड़ी वाले बिल्कुल ही मना कर देते हैं कि हम जो है गाड़ी लेके जा ही नहीं सकते नीचे जो है, क्योंकि आपका रास्ता बहुत ख़राब है बोलते। और कई बार जो है पेशेंट होता है, कोई बुजुर्ग है या फिर कोई गर्भवती महिलाएँ होती, उनको जो है पैदल लेके कैसे जा सकते हैं, तो फिर उनको उठा के लेके जाना पड़ता है 2.5 से 3 किलोमीटर ऊपर जाके रोड पर। तो फिर हमें बड़ी ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है हर किसी पर्सन के पास टाइम नहीं होता है, तो हमें जो बहुत मतलब पर्सन कहाँ से ढूंढे कि वो उनको उठा के लेके जाने के लिए भी, तो बड़ी ज़्यादा परेशानी आती है हमें। सर, सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इस रोड को जो जल्दी से जल्दी पक्का करवाया जाए और हमारी परेशानी को दूर किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी हैं हम, क्योंकि यहाँ पे इवन कि कई बार बुजुर्ग आदमी है वो पैदल चल रहे होते हैं तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, गिर जाते हैं, वो उनसे चला नहीं जाता तो वो गिर जाते हैं, कि बाजू टूट जाती है, टांग टूट जाती है, बड़ी ज़्यादा परेशानी होती है सर। वहीं लोक निर्माण विभाग के NP चौहान ने कहा कि ये सड़क वन विभाग की जमीन से होकर गुजरती है, जिस कारण सड़क को पक्का नहीं किया जा सका है। वन विभाग से NOC मिलते ही सड़क को पक्का करने की मुहिम शुरू कर दी जाएगी। इसमें ऐसा है कि ये सड़क जो है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो लैंड है उसमें से जाती है, तो अभी तक जब तक उनकी सेंक्शन हमारे को प्राप्त नहीं होती है तो हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने आदेश दे रखे हैं अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ को कि इसका फॉरेस्ट केस तैयार करें, और उन्होंने तैयार कर दिया है और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के लेवल तक पहुंच गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका जो है सेंक्शन इनसे वन विभाग से प्राप्त हो सके और इस काम को आगे बढ़ाया जा सके।